नमस्कार साथियों, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी आरा कोचिंग क्लासेस पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे CTET के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैथ सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं वो दोनों ही लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, है ना, लेवल वन और लेवल टू दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लेवल वन के मैथ के क्वेश्चन और लेवल टू के मैथ के क्वेश्चन CTET एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपको लगभग 100 से 200 तक क्वेश्चंस, यहाँ पर हर एक टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। बस हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डेली लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, है ना, डेली 5 से हर वीडियो में आपको 5 से 10 क्वेश्चन की आपको वीडियो मिलेगी जिसको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया जाएगा। और कुछ ट्रिक्स की भी हम यहाँ पर बात करेंगे जो हम CTET एग्जाम में अप्लाई करेंगे, और उनसे हम जो भी क्वेश्चंस हैं लगभग 5 से 10 सेकंड के बीच में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं लेवल टू के, हमें ऐसा भी पता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स की हेल्प से हम उनको इस टाइम पीरियड में 5 से 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लगातार आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से साथ जुड़े रहिए। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में केवल आपके लिए 5 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, उनको शेयर करें वीडियो को और उनसे भी कहें आप सब्सक्राइब करें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, यदि 21168 बराबर ये वैल्यू दी हुई है तो बताना है 4a-5b+c का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है और उसका जो इक्वल टू वैल्यू लिखी है वो उसी नंबर के कुछ फैक्टर्स हैं। जो नंबर्स लिखे वो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 और 7, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को बनाया जा रहा है। तो सीधा सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। 21168 टू से किया तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 16 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 2 से किया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 से करते हैं 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर 3 से करते हैं 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 1 जा 7, 7 4 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये सब इसके फैक्टर्स मिल गए। इसमें हम देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है और 7 कितनी बार है, वही यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 जो है वो 4 टाइम्स दिया गया है, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स दिया गया है और 7 यहाँ पर 2 टाइम्स दिया गया है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो 4 की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से हमको 4 मिल जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से हमको 3 मिल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं सी की वैल्यू जो है यहाँ से 2 और ये सी, मतलब यहाँ से सी की वैल्यू 2 दी गई है
और हमें इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, 4 × 4 मतलब 4 a है तो 4 × 4 -5 × 3 प्लस सी, वो हो गया 16 -15 प्लस 2, दिस इज 1 + 2 एंड दिस इज 3, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। चतुर्भुज है, चतुर्भुज से भी जानते हैं इसमें चार कोण होते हैं, उन चार कोणों का अनुपात हमको दिया गया है और हमसे कहा गया है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का अंतर हमको बताना है कि सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़े एंगल के डिफरेंस क्या होगा। तो इसको हम एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम सभी एंगल्स को फाइंड आउट ना करके हम डायरेक्ट ही उसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सभी का अनुपात का योग कर लीजिए, अनुपात का योग, अनुपात का योग, सम ऑफ रेशियोज कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 7 + 9 तो 10, 15, 9, 24 ठीक है, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 24 आ गया। अब हमसे कहा क्या गया है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर, तो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का अनुपात क्या होगा, 3 और 9, छोटे बड़े वाले कोण को माइनस कर लो, 9 - 3 6 आ गया, 6/24 × 360 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी को आप 6 × 24 कर दीजिए, 4 × 36 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसे हम फटाफट से 1 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है, मतलब x एक ऐसी संख्या है जिसको 8 से भाग दिया जाए, 12 से, 20 से, 28 से या 35 से, तो उन सभी नंबरों में जो डिवाइड में जो भाग देने पर बचता है वो 5 हमें रिमाइंडर मिलता है, 5 शेष बचता है, तो बताना है x के अंकों का योग क्या होगा, मतलब जो x जो भी नंबर आएगा चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, उन डिजिट्स को सम करने पर, योग करने पर कितना आएगा हमें वो बताना है। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिया 17, 11, 14 और 15, तो जो हमको नंबर दिए गए हैं 8, 12, 20, 28 और 35, हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम 8, 12, 28 और यहाँ पर 35, सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 10 = 20, 2 × 14 = 28, 35 का होगा नहीं, 2 का करते हैं, 2 × 4 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 35 का होगा नहीं, यहाँ केवल 2 बच गया, 3 का कर लेते हैं, 3 × 3 = 5, 7 = 35, 5 × 2 = 1, 5 × 5 = 7 और 5 × 7 = 35, इसको भी कर लेते हैं, 2 से किया 2 × 2 = 1, 1 × 7 = 7, 7 से कर लेते हैं इसको 1, 1, 1, 1, सब 1, 1 हो गया ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 है ना, 2 की पावर 3 ठीक है, 3, 5, 7 हो गया, 8, 15, 7, 8 × 56 कर लो, इनका मल्टीप्लाई करके हुआ है टोटल कितना मिल जाएगा, 840 ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 840। लेकिन अब क्या कह रहा है, प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचता है, तो अब क्या होगा कि हम इसमें नंबर निकालेंगे और नंबर हमारा क्या आएगा, नंबर आ जाएगा हमारा कि 840 में 5 को प्लस कर दो तो कितना हो गया, 845, मतलब वो नंबर 845 है जिसमें अगर हम 8 से 12 20 28 और 35 से अगर भाग देंगे तो हर दशा में कितना बचेगा, 5 बचेगा। हमें ये नंबर नहीं निकालना है, हमें बताना है x के अंकों का योग, ये हमारा x आ गया, x कितना आ गया, 845 ठीक है, x आ गया 845, हमें इसके अंकों का योग निकालना है, तो 8 + 4 = 12 है ना, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, 12 × 5 = 17, ये हमें 17 आंसर मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमें आ रहा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
In how many ways 36 small squares of 1 cm by 1 cm can be arranged so that the resulting area is 36 cm square? मतलब है क्वेश्चन का कि एक सेंटीमीटर एक एक सेंटीमीटर के 36 स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसे कितने बॉक्सेस बने हुए हैं, 36 बॉक्स हैं छोटे छोटे जिनकी साइड कितनी है, एक एक सेंटीमीटर, उसमें 36 स्क्वायर्स हैं, ठीक। तो हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि इनका जो रिजल्टिंग एरिया बने वो कितना बने, 36 बने। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन सभी को एक लाइन से लगा दें, तो यहाँ पर एक ही लाइन में कितने हो जाएंगे, 36। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन हमको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिया है 1, 5, 4 और 6। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम दो दो की लाइन बना दें और ऐसे कितने कितने बॉक्स आएंगे दो लाइन में, 18 बॉक्स हो जाएंगे, एक लाइन में 18, दूसरी लाइन में 18। तो ये भी कितने हो गए, 36 हो गए। अगर हम तीन की लाइन बना दें तो ये 12 बनेंगे एक लाइन में, है ना, तब भी कितने आ जाएंगे, 36, है ना। क्योंकि जब बॉक्सेस को हम जोड़ देंगे तो एक यहाँ पर साइड, एक साइड यहाँ पर और एक साइड यहाँ पर, तो इसकी टोटल साइड कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की। अब ऐसे ही 12-12 के बॉक्स बनेंगे तो 12 नीचे हो गया, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 12 और 3। और लेंथ इसका एरिया क्या होता है, एल इन टू बी, तो 12 या 36 हो जाएगा यहाँ से, मतलब इसमें हमें 36 मिलने वाला है। ऐसे ही इसमें लेंथ हो गई 2, ब्रेथ हो गई 18, इसमें लेंथ हो गई 1 और ब्रेथ हो गई 36, इसमें लेंथ हो गई 3 और ब्रेथ हो गई 12, या कैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 4 ले लें और 4 लेंगे तो एक लाइन में बनेंगे 9, है ना, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। मतलब ऐसे करके यहाँ पे 4 बॉक्स बन जाएंगे और ये बॉक्स की कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 12 नहीं बनेंगे, 9 बनेंगे, तो ये पूरी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, तो 12 9 36 हो गया। या फिर एक और हो सकता है कि हम 6 और 6 बना लें, है ना, लेंथ भी 6 ब्रेथ भी 6, मतलब 6 बॉक्स ऐसे, 6 बॉक्स ऐसे, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे, ये 36। तो कुल मिला के ये 6 ही तरीके ऐसे हैं, सॉरी 5, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके ऐसे हैं जिनको हम अगर स्क्वायर्स को अरेंज करेंगे तो उनका रिजल्टिंग जो उसका एरिया आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ -12 - 3 + 20 - -4 - -24 - 8 - 16 - -2 = -28 - 7 + x। एक सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है फाइंड x, इस x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये x जो हमें लास्ट में दिया गया है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी वैल्यू 47 है, 29 है, 39 है या फिर 46। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसी को फर्स्ट स्टेप मान के इसके आगे का यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोनों ही नंबर माइनस माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 36 आएगा, ठीक है। और आप भी यही कोशिश करिएगा, क्वेश्चन में एक स्टेप ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट उसी के आगे का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें जिससे आपका टाइम भी बचेगा और गलती भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इतने बड़े वाले क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर से तो आप साइन में गलती कर सकते हैं, डिवाइड का साइन प्लस बना सकते हैं, माइनस को कर सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, है ना। साइन अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर आंसर आपका टोटली रॉन्ग आएगा। तो आप इसी में सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप से ही। जैसे मैंने यहाँ पे 36 लिखा, प्लस लगाया, अब इन दोनों का डिवीजन हो रहा है, आंसर आएगा -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नंबर है, माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा हुआ है, इन दोनों का डिवाइड हो रहा है, आंसर आएगा -3। अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल अपने नंबर्स को लिखते चले जाइए, ठीक है। माइनस इनको हम डिवाइड करेंगे तो इनका भी कितना आएगा, -8 आएगा, बराबर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -4 आएगा और प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अब इनके आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, 36 प्लस, ये देखिए प्लस हो जाएगा, -5 + 3 और ये -8 हो जाएगा, जो हो गया -4 + x।
अगर 36 यहाँ पे माइनस टू आएगा, माइनस टू यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस 8 प्लस 4 बराबर x, ये मैंने 4 को इधर ले लिया, तो ये कितना हो गया देखिए 36, 8, 4, 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, प्लस का 10 रह गया बराबर x, x बराबर आ गया यहाँ से 46, ठीक है। तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 46। तो साथियों ये क्वेश्चन हम यहीं तक रोकते हैं अभी, इसके आगे की सीरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और ये सीरीज रेगुलर आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें आप बहुत आसानी तरीके से 30 क्वेश्चंस में से जो 15 क्वेश्चंस सॉल्यूशन के होते हैं उनको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको जो उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।